और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोरोना के नए ताजा आंकड़ों की, जो लगातार डरा रहे हैं। 24 घंटे में 1,85,104 कोरोना केस सामने आए हैं। कोरोना से 1,026 लोगों की जान जा चुकी है। और महाराष्ट्र में 60,212 नए मामले सामने आए हैं। 281 की मौत हो गई है। और बात अगर राजधानी की करें, दिल्ली में 13,468 नए केस सामने आए हैं, 81 की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में भी आंकड़ा डराने वाला है। 17,963 नए मामले सामने आए हैं, 85 की मौत हो गई है। और ये आंकड़े दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तमाम जो राज्य सरकार है वो गंभीर होते दिखाई दे रही है। अलग अलग राज्यों में नई गाइडलाइंस बनाई जा रही है। बहस 24 घंटे का यह आंकड़ा, 1,85,104 नए कोरोना के केस आए हैं। वहीं कोरोना से अब तक 1,026 लोगों की 24 घंटे में मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र का जिक्र हमने किया, जहां पर 60,212 नए मामले, 281 की मौत हो चुकी है। तो महाराष्ट्र का जिक्र हम कर रहे हैं, तो एक और अहम जानकारी आपसे साझा करते हैं। महाराष्ट्र में आज रात से कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। दरअसल राज्य में अगले 15 दिन तक धारा 144 लागू रहेगी। सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही इजाजत मिलेगी। बेवजह लोगों के आने जाने पर पाबंदी रहेगी। महाराष्ट्र में आज से ब्रेक द चेन मुहिम की शुरुआत होगी और इस मुहिम के तहत ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं, केवल जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। क्योंकि महाराष्ट्र में अकेले 60,000 से ज्यादा केसेस सामने आए हैं, ऐसे में तमाम ये जो गाइडलाइंस राज्य सरकार की ओर से बनाए गए हैं, सभी से अपील यही की जा रही है कि इन गाइडलाइंस का पालन किया जाए ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। तो अगले 15 दिन तक ये पाबंदियां लागू रहेंगी, जरूरी काम नहीं तो आने जाने पर रोक रहेगी। तो इधर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने सख्त फैसले लिए हैं, जो आज रात से लागू होंगे। उससे पहले लोगों को, प्रवासी मजदूर राज्य छोड़ अपने घर के लिए निकल पड़े। लिहाजा देखिए कैसे लॉकडाउन की आशंका के चलते मुंबई से लोगों ने वापसी शुरू कर दी है, और वो भी बगैर टिकट, क्योंकि रेलवे ने जनरल टिकट काउंटर बंद कर रखे हैं। ऐसे में देखिए कैसे जब लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन पर भीड़ जमा हुई तो अनाउंस कर बिना टिकट वालों को वहां से जाने के लिए कहा गया। इस अनाउंसमेंट के बाद भी लोग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए और बोरिया बिस्तर लेकर जैसे तैसे ट्रेन पकड़ने की जुगत में लग गए। जहां डरे सहमे जो लोग हैं, अब अपने खाने के लिए, अपने जीवन व्यापन के लिए दोबारा गांवों की ओर पलायन करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर हम मौजूद हैं और लोगों की भीड़ देखकर ये साफ मालूम पड़ जाएगा आपको कि यहां की स्थिति कितनी ज्यादा गंभीर हो चली है। हालांकि चारों ओर एक बार मेरे कैमरा पर्सन रमेश से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखाएं आपको कि चारों ओर अब जहां तक नजर पहुंचाएंगे आपकी, आपको सिर्फ और सिर्फ लोगों की भीड़, कंधों पर भारी बैग, महिलाएं छोटे छोटे बच्चे लिए आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे, कई बुजुर्ग हैं इसमें। हालांकि यहाँ पर जिस तरीके के हालात हैं, लगातार जब कई दिनों से यहाँ पर लोगों की भीड़ थी उसको देखते हुए, जब लोगों को ट्रेन की टिकट्स नहीं मिल रही थी, तब कुछ स्पेशल ट्रेनों को शुरू किया गया था, जहाँ ट्रेनों को शुरू करने के बाद अब लोगों को यहीं पर टिकट दी जाती है और उसके बाद ही उन्हें आगे का रास्ता दिखाया जाता है। लोगों का ये पलायन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि सरकार उन्हें विकल्प दे पाने में असमर्थ है। दरअसल कल्याण, डोंबिवली, उल्लासनगर, अंबरनाथ और भिवंडी में ज्यादा संख्या में उत्तर भारत और बिहार के मजदूर रहते हैं। पिछले साल ये स्थिति हो गई थी कि बहुत से मजदूर अपने गांव के लिए पैदल ही निकल गए थे। एक बार फिर महाराष्ट्र लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, जिससे मजदूरों में भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है। हालांकि रेलवे ने उत्तर भारत के लिए विशेष ट्रेनें चलाई हैं, लेकिन इन ट्रेनों में केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्रियों को सफर करने की अनुमति है। एलटीटी से आज की तारीख में 24 घंटे में टोटल 23 ट्रेनें जो है आउट स्टेशन बाउंड ट्रेन्स हैं, इसमें से 17 ट्रेन जो है नॉर्थ और ईस्ट बाउंड ट्रेनें हैं और इसी में 5 समर स्पेशल ट्रेनें हैं। तो लोगों से अपील है कि जिनके पास केवल और केवल कंफर्म टिकट है वही लोग यात्रा करें, बाकी लोग स्टेशन पर आके भीड़ भाड़ न करें। हरियाणा के गुरुग्राम में भी लोग संपूर्ण लॉकडाउन से डरे हुए हैं, लिहाजा ये लोग बड़े बड़े बैगों में सामान समेटकर घर लौटने के लिए बस अड्डों पर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। गांव जाने वाले कुछ मजदूरों से इंडिया न्यूज ने बात की तो उनका कहना है कि एकाएक लॉकडाउन हो जाएगा तो हम कहां जाएंगे, इसीलिए हम लोग पहले ही निकल रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन लग जाएगा, इसीलिए जा रहे हैं लोग। लेकिन अभी लॉकडाउन की तो घोषणा भी नहीं हुई है। लग गया तो इसीलिए। ये डर है, कहां के रहने वाले आप? बिहार के। तो इसीलिए पहले जा रहे हैं? हाँ।
कुमार राय, नाम बताओ। प्रवेश कुमार राय। प्रवेश कुमार, आप कहाँ के लिए जाना चाह रहे हैं? बिहार के लिए जा रहा हूँ। क्या वजह है? अभी तो काम चल रहे हैं। काम कहाँ चल रहे, काम तो बंद हो गई है अभी, आप कर्फ्यू लगे उसके वजह से काम भी बंद हो गई है, तो हमारा कंपनी भी बोल दिए जो अपना देख लो, इसलिए हम जा रहे हैं। और पिछले बार स्थिति खराब हो गया तो हम लोगों को पैदल जाना पड़ा, इसलिए अभी से हम लोग तैयारी करके जा रहे हैं। तो इसलिए आप पहले निकल जाना चाहते हैं? हाँ, पहले निकल जाना चाहते हैं। कोरोना की वजह से दिल्ली में मौत का भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी में हाहाकार की स्थिति है। दिल्ली के शमशान घाट पर हालात बस से बदतर है। शव जलाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। और एक तरफ बढ़ती मौतों का आंकड़ा परेशान करने वाला है, तो वहीं लोगों की लापरवाहियों का सिलसिला भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के निगम बोध घाट की तस्वीर आप देखिए, जहां पर कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार में कोविड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज कर लोग पहुंच रहे हैं। और साथ ही साथ आप देखिए मेरे सहयोगी अजित श्रीवास्तव की खास खबर। राम ही सत्य है, सत्य ही राम है, ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर मोक्ष के बाद से हर कोई बातें ऐसे करते नजर आता है। इस समय मौजूद हूं निगम बोध घाट पे, जहां पर कोविड के पेशेंट का क्रिमेशन ग्राउंड बनाया गया और यहां पर लगातार क्रिमेशन होते नजर आ रहा है। लेकिन इसी क्रिमेशन ग्राउंड में कई लोग भी आते जाते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ यहां के इंचार्ज अवधेश शर्मा जी भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं कि अभी तक कोविड के कितने पेशेंट आ चुके हैं और वेटिंग कितनी चल रही है या नहीं। यहाँ पर क्या वैसे 1 तारीख से बढ़ा है। 1 तारीख में तो हमारे पास 2 बॉडी थी, 3 तारीख में 2 आई थी, 4 तारीख में 3 आई थी। ये पिछले 7 तारीख से और अब तक की जो एवरेज है वो 10 से 15 की थी। अभी जो लास्ट के जो 3 दिन है इसमें तो डेली 25 से 30 आ रही है बॉडी। आज भी हमारे पास 30 बॉडी आ चुकी है कोविड की। तो क्या वेटिंग भी कुछ चल रहा है? नहीं, वेटिंग कोई नहीं है। हमारे यहाँ क्या 2 हमारे पास CNG है, पहले तो CNG में होते हैं। अगर CNG में वेटिंग होती है तो लकड़ी में कराते हैं, वहाँ पर हम वेट नहीं कराते। उनसे पूछते हैं कि भाई CNG में हमारी बॉडी लगी हुई है और आप CNG में करना चाहते हैं, थोड़ा सा रुको। तो वो कहते हैं नहीं, हम तो लकड़ी में करेंगे, लकड़ी में सबकी अच्छे लकड़ी में ही होती है कि हम लकड़ी में संस्कार करें। तो हमारे यहाँ कोई वेटिंग नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि कोविड के मरीज CNG में प्राथमिकता दी जाती है या लकड़ियों पर, क्योंकि लकड़ियों में कहते हैं कि जो कोविड के पेशेंट होते हैं अगर उसका धुआं निकलता है वातावरण में फैलता है, उससे कोविड की ओर फैलने की संभावनाएं होती है। जी बोलते तो ऐसा ही है, पर हम कोशिश ये करते हैं कि पहले तो CNG में ही संस्कार हो कोविड का, पर अगर एक साथ जो 4-5 बॉडी आ जाती है तो उसमें फिर 1 से 2 हमें बॉडी लकड़ी में करवानी पड़ती है। अच्छा। क्योंकि हम वेट नहीं कराते लोगों को, एक तो पहले से वो दुखी हैं, फिर उन्हें हम वेट कराएं, तो हम ये कहते हैं कि हमारे CNG अभी फिलहाल फुल है तो हम लकड़ी में कराएं, तो लकड़ी में करने को तैयार होते हैं। अवधेश भाई, गाइडलाइन तो ये बनी थी कि आप कोविड के क्रिमेशन ग्राउंड में कोई भी अलाउ नहीं होता। जी, जी। लेकिन मैंने देखा यहाँ पे कई लोग हैं, फैमिली मेंबर ऊपर तक गए हुए हैं मिलने देखने क्रिमेशन ग्राउंड में। जी, ये तो दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइन ये भी आई है कि आप शमशान घाट जाएंगे किसी के शव यात्रा में तो 20 लोग आने की अनुमति है। तो मैं यहाँ देखता हूँ कि किसी में 30 लोग भी हैं, किसी में 40 लोग भी हैं, किसी में 50 लोग भी हैं, पर उसे हम नहीं दूर कर पा रहे यहाँ पर। तो 6 इसमें लगवा देंगे, 2 लकड़ी में लगवा देंगे। अच्छा। तो ऐसे बैठ तकरीबन 1-1.5 घंटे में सारी चीज हो जाती है। हाँ, 1-1.5 घंटे में संस्कार हो जाता है। तो किसी तरह का कोई जिद होता हुआ किसी गार्जियन का या लोगों का जो साथ में आते हैं कि नहीं मुझे रहना अनिवार्य है, मुझे जाना है, उनको रोकते कैसे हैं, समझाते कैसे हैं आप? बहुत से तो ये बोलते हैं कि भाई हमारा का तो हमारी इच्छा है लकड़ी में कराने की, हमें लकड़ी में कराने की है। हम कहते हैं नहीं नहीं, देख लो जरा CNG भी खाली है, CNG में करें। कि नहीं, हमारी तो प्रथा है कि हम लकड़ी में करेंगे। तो उनसे हम बहस नहीं करते, उनको फिर हम लकड़ी में करा देते हैं। चलिए करा देते हैं, लेकिन देखेंगे कोविड के तमाम जो पेशेंट हैं आप देखेंगे यहाँ से वहाँ तक तो हर कोई यहाँ पर मौजूद है। आप जिस हिसाब से कोविड में हैं हर कोई अपनी तरह से सुरक्षित होकर चल रहा है और व्यवस्थित होकर चल रहा है, तो हर तरह से कोशिश यही रहती है कि जिस हिसाब से कोविड के यहाँ पर लोगों को हम कहें अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, उनका क्रिमेशन यहाँ पर किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसे ही लोग यहाँ पर देखे जा रहे हैं जो अपने उन अंतिम यात्रा के दौरान उन लोग के साथ आते नजर आ रहे हैं जिनको आने से सरकार ने पाबंदी लगाई थी, रोका था। खासकर उन लोगों को भी ध्यान देना चाहिए कि इस समय महामारी काफ़ी तेजी से फैल रहा है, इसलिए वो घरों में रहें, कोविड के पेशेंट्स के साथ ना आए तो बेहतर होगा। कैमरामैन कुलभूषण धीमन के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। इधर उत्तर प्रदेश में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। उत्तर प्रदेश में 17,963 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 85 लोगों की मौत हो गई है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि 1 दर्जन से ज्यादा अफसर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट कर लिया है। और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को संज्ञान में लेते हुए खुद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी पूरा संज्ञान लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से लॉकडाउन लगाने पर विचार करने का निर्देश दिया है।
तो बात अगर लखनऊ की जाए तो 5000 से ज्यादा केस राजधानी से सामने आए हैं। लखनऊ में क्या स्थिति है, क्या लोगों को कोरोना नियम का पालन करना पड़ रहा है या लोग इसका पालन करने के लिए कितने तैयार हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। देश में कोरोना की रफ्तार बढ़ती ही जा रही है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी लखनऊ है वहां पर बीते 24 घंटे में 4444 कोविड पेशेंटों के जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आए, जो कि एक बेहद ही गंभीर स्थिति है। आपको बता दें ऐसे में भी लोग लापरवाह बने हुए हैं। हालांकि कल से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और लोग निकल रहे हैं अपने घरों में, जो भगवान हैं उनकी सजावट के लिए, उनका सामान लेने के लिए, पूजा की सामान लेने के लिए निकल रहे हैं। ऐसे में यहाँ देख रहे हैं, एक हम ऐसी ही दुकान के सामने हैं जो पूजन भंडार की दुकान है। एक दादाजी हैं यहाँ पर, उनसे बात करते हैं। दादा कहाँ रहते हैं आप? देख रहे हैं इन्होंने मास्क नहीं लगाया इसलिए यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा लापरवाही दिखाई दे रही, ये लापरवाही कहीं ना कहीं ये जो आंकड़े बढ़ रहे हैं ये जिम्मेदार ये लापरवाही है। भाई भी खड़े हुए हैं, हम इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? विजय सोनी। मैं देख रहा हूँ आपने कुछ एक स्टिकर लगाया हुआ है, अलाव और आम आदमी, इसका क्या मतलब है? ये BDC चुनाव निशान है। अच्छा, आप चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लेकिन हम देख रहे हैं आपने भी मास्क नहीं लगाया। जी नहीं लग रहा, आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। अकेले बैठे हुए हैं इसलिए नहीं लगाए। नहीं, तो बाजार की जगह बाजार है, मगर अभी अकेले बैठे हुए हैं इसलिए नहीं लगाए, और हम खुद इसका जागरूकता फैलाने हैं। मतलब खुद जागरूक करते हैं लेकिन खुद जागरूक लगाएंगे अभी करके गए, लेकिन अभी भी आप मास्क लगाइए, ये हमारी गुजारिश है, इंडिया न्यूज़ की गुजारिश है। यहाँ देख रहे हैं जो पीछे शॉपकीपर हैं उन्होंने बाकायदे मास्क लगा रखा है, हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज कुमार। ये बताइए कि कल से जो नवरात्र शुरू हो रहे हैं ऐसे में लोग किस तरह की खरीदारी कर रहे हैं, क्या निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे बाजारों में? ज़्यादा अच्छी दुकानदारी भी नहीं है और आदमी कम निकल रहे हैं, मास्क कम लगाते हैं लोग। मगर जब आते हैं दुकान तो हमसे कहते हैं भैया पहले मास्क लगा लो आप, यही सब बताते हैं हम लोग। हमें तो अपनी पूरी जिम्मेदारी निभानी चाहिए, क्योंकि हम अगर सुरक्षित है तो हमारा परिवार सुरक्षित है, और हमारा परिवार सुरक्षित है तो हमारा समाज सुरक्षित है। इसलिए हमें मास्क लगाना चाहिए, बाकायदा हाथों को बार बार धोना चाहिए। इधर लोग तो लापरवाह बने ही हुए हैं, अस्पताल की लचर व्यवस्था से भी लोगों की मौत हो रही है। मुंबई से सटे नाला सुपारा के विनायक हॉस्पिटल में देर रात सिर्फ 3 घंटे में ICU में एडमिट कोविड 7 मरीजों की मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म हो गया था और इसी वजह से मरीजों की मौत हुई है। वहीं हॉस्पिटल ने सफाई दी है कि जिन लोगों की मौत हुई है वो सभी मरीज गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे, और जब उन्हें एडमिट करवाया गया था तो उनमें 30-40% ही ऑक्सीजन लेवल था। लेकिन विनायका हॉस्पिटल में 7 मरीजों की मौत के बाद मृतकों के परिजनों और अस्पताल स्टाफ के बीच हाथापाई की नौबत आ गई। एक तरफ परिजन अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से अपनों को खो चुके थे, तो दूसरी तरफ बॉडी ले जाने से पहले उनके हाथों में लंबा चौड़ा बिल थमा दिया गया। लिहाजा मृतकों के परिजनों ने घटना के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई, साथ ही CM उद्धव ठाकरे, DCM अजीत पवार और स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे से भी मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कितने दिन से इस हॉस्पिटल में एडमिट थे? 47 आवर्स में उसका डेथ हुआ। सर डॉक्टरों ने क्या बताया किस कारण से वो डेथ हुई है? वो उनका रिपोर्ट में सस्पेक्टेड कोविड मायोकार्डियल इन्फेक्शन और डायबिटिक्स। सर वो जब एडमिट किए थे किस रोग के आधार पे एडमिट किए थे? कोविड पेशेंट है। तो ऑक्सीजन का जो कमी है, कितने बजे हॉस्पिटल प्रशासन? 3:30 बजे कल शाम को मेरे को कॉल आया कि चेटा ये हम सेव करो, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है। तो अस्पतालों की हालत बस से बदतर होती चली जा रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है तो कहीं पर बेड की व्यवस्था नहीं है। फिलहाल यहाँ पर रुकने के एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की। चलिए ब्रेक के बाद बात करते हैं बंगाल की सियासत की। पश्चिम बंगाल चुनाव में राहुल गांधी की एंट्री हो चुकी है, आज प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे राहुल गांधी। बता दें आपको कि सिलीगुड़ी और उत्तरी दिनाजपुर में राहुल गांधी की रैलियां हैं। आधा चुनाव खत्म होने के बाद अब राहुल गांधी बंगाल आएंगे, तो बंगाल चुनाव में राहुल गांधी के आज से एंट्री होने जा रही है। सिलीगुड़ी में उनकी रैली है, आधा चुनाव लगभग बीत चुका है क्योंकि 4 चरण के जो चुनाव है वो खत्म हो चुके हैं, 4 चरण और अभी बाकी है, 8 चरणों में चुनाव होना है बंगाल में। ऐसे में 4 चरणों के बाद अब राहुल गांधी को बंगाल की याद आ रही है।
अब बात कर लेते हैं ममता बनर्जी की। बैन खत्म होने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी, आज कुछ बिहार जाएंगी ममता बनर्जी। हिंसा पीड़ितों से ममता मुलाकात करेंगी, जिनसे मुलाकात करने के लिए वो लगातार जिद पर अड़ी हुई थी, लेकिन चुनाव आयोग ने पाबंदी लगा दी थी। चौथे चरण के दौरान कूच बिहार में हिंसा हुई थी और उसके बाद ही ममता बनर्जी लगातार एक्टिव मोड में नजर आ रही हैं। शुरू से ही एक्टिव मोड में ममता बनर्जी चौथे दौरान के दौरान कूच बिहार में हिंसा और बैन खत्म होने के बाद एक्शन में ममता बनर्जी दिखाई दी। तो चुनाव आयोग ने ममता बनर्जी के प्रचार करने पर 24 घंटे के लिए बैन लगाया, तो ममता बनर्जी ने सियासी अंदाज में उसका जवाब दिया। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता धरने पर बैठ गई। हालांकि उनका धरना शाम से पहले खत्म हो गया, लेकिन उनके इस विरोध से सियासी पारा चढ़ा रहा। दिलचस्प बात यह रही कि ममता ने धरना देते हुए पेंटिंग्स बनाई। क्योंकि धुआंधार चुनाव प्रचार के बीच मिले इस खाली वक्त का भला इससे बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता था। व्हीलचेयर पर बैठी ममता बनर्जी ने अपने बैग से पहले पेंटिंग ब्रश निकाले और उसके बाद अलग अलग रंग के कई कलर निकाले। इसके बाद नोटपैड पर बड़ी सफाई से उनके हाथ चलने लगे। मुख्यमंत्री कागज पर अलग अलग रंगों को सजाती रही और तन्मयता कुछ ऐसी थी कि इस दौरान उनकी नजर कहीं और नहीं गई। थोड़ी देर में जब पेंटिंग पूरी हुई तो उसे देखकर लोग ताली बजाए बगैर नहीं रह सके। किसी कागज पर फूल की तस्वीर थी तो किसी पर आग की, लेकिन सभी तस्वीरें इस बात की तस्दीक कर रही थीं कि ममता बनर्जी की पकड़ सिर्फ सियासत पर ही नहीं बल्कि पेंटिंग ब्रश पर भी है। कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी धरने पर बैठी क्योंकि चुनाव आयोग ने 24 घंटों के लिए उनके चुनाव प्रचार पर रोक लगा दी। इसके विरोध में ममता बनर्जी जब धरना देने पहुंची तो उन्होंने प्रतीक के तौर पर साड़ी के ऊपर काला स्कार्फ डाला हुआ था और यहां तक कि मास्क भी काले रंग का था। बेशक ममता बनर्जी अकेले धरना दे रही थी, लेकिन पंडाल के आसपास टीएमसी समर्थकों की भारी भीड़ नजर आई। पार्टी के बड़े नेताओं समेत डेरेक ओब्रायन भी वहां मौजूद थे और इंतजाम देखते रहे। चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार के दौरान ममता बनर्जी के दो बयानों पर सख्त कदम उठाया। ममता बनर्जी ने मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं से एकजुट होकर वोट देने की अपील की थी। इसके अलावा केंद्रीय सुरक्षा बल के जवानों का घेराव करने को कहा था। चुनाव आयोग ने दोनों मामलों को लेकर उनको नोटिस दिया था, लेकिन चुनाव आयोग के मुताबिक उनका जवाब संतोषजनक नहीं था, जिसके बाद चुनाव आयोग ने बैन लगाने का आदेश दिया और कहा कि चुनाव आयोग पूरे राज्य में कानून व्यवस्था की गंभीर समस्याएं पैदा कर सकने वाले ऐसे बयानों की निंदा करता है और ममता बनर्जी को सख्त चेतावनी देते हुए सलाह देता है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के दौरान सार्वजनिक अभिव्यक्तियों के दौरान ऐसे बयानों से बचें। लेकिन चुनाव प्रचार पर बैन को ममता बनर्जी ने अलोकतांत्रिक करार दिया और अपने अंदाज में विरोध जाहिर किया। ममता बनर्जी भले ही चुनाव प्रचार से दूर रहीं और उनको दो दो रैलियां रद्द करनी पड़ी, लेकिन धरना प्रदर्शन करते हुए वो अपने मतदाताओं को मैसेज देने में कामयाब रहीं। तो बंगाल में चार दौर की वोटिंग हो चुकी है, लेकिन चार दौर का महासमर अभी भी बाकी है। लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी के चुनाव प्रचार पर 24 घंटों का बैन लगा तो सियासी बवाल बढ़ गया। टीएमसी और दूसरी विपक्षी पार्टियों ने जहां चुनाव आयोग के इस फैसले पर सवाल उठाए, वहीं बीजेपी ने इसे सही कदम बताया। गांधी मूर्ति के पास ममता बनर्जी के धरने से सियासी पारा चढ़ गया। ममता बनर्जी पहले भी बंगाल में चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठा चुकी हैं, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन पर बैन लगाया तो टीएमसी ने सीधा हमला बोला। आज जो ईसी ने किया, मोदी शाह का ईसी, आज भारतीय लोकतंत्र के, ये लोकतंत्र के लिए एक काला दिन है। टीएमसी अकेले विरोध में खड़ी नहीं है, बल्कि इस मामले में सहयोगी विपक्षी पार्टियां भी ममता बनर्जी के साथ खड़ी नजर आईं। ममता बनर्जी को जो 24 घंटे का बैन लगाया है, ये बहुत ही लोकतंत्र के लिए, डेमोक्रेसी जो हमारी है, पार्लियामेंट्री या चुनाव आयोग जो है, उसके ऊपर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। ममता दीदी हो या और कोई हो, मॉडल कोड कंडक्ट है, आचार संहिता, आदर्श आचार संहिता, उसके ऊपर कोई नहीं है, सबके लिए समान है। लेकिन क्या पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन सिर्फ ममता दीदी ने ही किया है? और जो बड़े बड़े नेता लाखों की सभा ले रहे हैं या और बड़े बड़े नेता भाषण कर रहे हैं या कोई अनाप शनाप बोल रहे हैं, क्या उनके तरफ किसी का ध्यान नहीं है? पश्चिम बंगाल में कोई भी पार्टी किसी भी तरह से नियमों का पालन नहीं कर रही है, तो सिर्फ
ममता दीदी के ऊपर ही बैन क्यों? संवैधानिक और लोकतांत्रिक फैसला चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग जो है अब भाजपा आयोग रहेगी। चुनाव आयोग को जो काम करना चाहिए वो काम ना करके जो सत्ता दल के जो लोग हैं उसकी गुलामी कर रही है और एक बीजेपी के सेल के तरीके से चुनाव आयोग काम कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ममता के खिलाफ चुनाव आयोग की सख्ती का विरोध कांग्रेस ने भी किया। हालांकि बंगाल के घमासान में कांग्रेस ममता के खिलाफ है, लेकिन दिल्ली में पार्टी के नेता ममता के साथ दिखे। चुनाव आयोग का ये जो फैसला है वो निष्पक्ष नहीं है, क्योंकि अगर निष्पक्ष होता तो वो उसी तरह की कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर भी की होती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी जिन शब्दों का, जिन वाक्यों का इस्तेमाल किया है, जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, वो ममता बनर्जी के पर जो आरोप है उससे कहीं बढ़कर किया है। तो उन पर नहीं कार्रवाई करके सिर्फ एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई करना, मैं समझता हूँ कि चुनाव आयोग अपने अपने आप को शक के दायरे में। लेकिन बीजेपी ने ममता पर हमले का सिलसिला जारी रखा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने तो यहाँ तक मांग कर दी कि ममता पर चुनाव खत्म होने तक पाबंदी लगाई जानी चाहिए। ममता दीदी का जो धरना टैक्टिस है, ये धरना टैक्टिस डिफीट के बाद की प्रैक्टिस है, और डिफीट के बाद की किस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए उनकी, उसकी कोशिश है। इसलिए इस धरने टैक्टिस को डिफीट के प्रैक्टिस के रूप में हम देख रहे हैं, क्योंकि इस चुनाव में, अगर पूरे चुनाव में आप देखें तो चिक चिक किच किच, इसके अलावा उन्होंने आज तक अपने शासनकाल के, अपने सरकार के समय के हिसाब किताब को लोगों को देने में वो झिझकती रही और ना दिया। चुनाव कमीशन का निर्णय ना मानते हुए और रास्ता में उतर के आंदोलन कर रही है, जो पार्लियामेंट के कानून के खिलाफ आंदोलन कर रही है, जो संविधान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के साथ आंदोलन की है, मुझे लगता नहीं कि वो इस प्रकार कानून मानेंगे। एक मुख्यमंत्री को इस प्रकार शोभा नहीं देता। बीजेपी ने इस बात पर एतराज जताया कि ममता संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ सड़क पर उतरी, और इस मुद्दे पर दिलीप घोष ने ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग लिया। विपक्षी खेमे में इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर बहस शुरू हो गई है। हालांकि दलील दी गई कि आयोग ने बीजेपी नेता राहुल सिन्हा के भी चुनाव प्रचार पर 48 घंटों का बैन लगाया है, और बयान पर दिलीप घोष से भी जवाब मांगा गया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूर्व बर्धमान जिले के काल्ला में एक रोड शो किया, और इस दौरान उन्होंने टीएमसी सरकार पर जमकर जुबानी हमले किए। जेपी नड्डा ने तृणमूल कांग्रेस के नारे खेला होबे पर निशाना साधते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालत एक हारे हुए खिलाड़ी जैसी है। वहीं निर्वाचन आयोग पर ममता के आरोप पर भी उन्होंने निशाना साधा। हमने ये तय करना है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बंगाल एक विकास की एक लंबी छलांग लगाए। यहाँ बेरोजगारों के साथ अन्याय हुआ, यहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, यहाँ प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं रह गई, कानून व्यवस्था रहा नहीं है, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और प्रशासन का अपराधीकरण भी हो गया है। ये हमको समझना चाहिए, प्रशासन का राजनीतिकरण हो गया है और प्रशासन का अपराधीकरण भी हो गया है। ये हमको समझना चाहिए, इसलिए कानून का राज अगर लाना है, लॉ एंड ऑर्डर ठीक करना है, विकास लाना है, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को रोकना है और युवाओं को रोजगार देना है और बंगाल को आगे बढ़ाना है तो कमल खिलाना है। इस बात को हमको आजकल बौखला रही, हर कुछ बंद बोलती जा रही, ये वही हाल होता है जैसे खेल में हारे हुए खिलाड़ी का होता है, वही ममता जी का हो गया। तो बंगाल जीतने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, और अब बीजेपी का फोकस उत्तरी बंगाल पर है। उत्तरी बंगाल जहां ममता बनर्जी कमजोर मानी जाती हैं, और बता दें आपको कि 16 अप्रैल को जलपाईगुड़ी और दार्जिलिंग में वोटिंग है। इसीलिए गृहमंत्री अमित शाह लगातार तीसरे दिन पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहे और दार्जिलिंग में गोरखा मतदाताओं को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश की। भाजपा, भारतीय जनता पार्टी और गोरखाओं का गठबंधन हमने नहीं बनाया है, आपने नहीं बनाया है,
भाजपा और गोरखाओं का गठबंधन ईश्वर ने बनाकर जमीन पर उतारा है। ये पवित्र गठबंधन है। ये गठबंधन को ताकत देने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ। गोरखा समस्या की वजह से दार्जिलिंग का इलाका न सिर्फ ममता बनर्जी बल्कि पहले की लेफ्ट सरकार के लिए भी चुनौती रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में बीजेपी ने इस इलाके में तेजी से अपनी पैठ बनाई है और बीजेपी की रणनीति इस इलाके में टीएमसी को पटखनी देने की है। इसीलिए अमित शाह जब दार्जिलिंग पहुंचे तो उनके सिर पर गोरखा पहचान वाली टोपी नजर आई और साथ ही उन्होंने दार्जिलिंग के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। एक और अगर भाजपा 200 सीटें जीतती है तो एक और 197 सीटों का विजय है और दूसरी ओर हमारी ये तीन पहाड़ की सीटों का विजय, क्योंकि मैं मानता हूं कि गोरखाओं को इस देश की मेन स्ट्रीम के अंदर लाने की जरूरत है। गोरखाओं का भव्य इतिहास रहा। मां माटी और मानुष की बात करने वाली दीदी आई, दीदी ने भी कोई कम जुल्म नहीं ढाए, अनेक लोगों को निर्मम हत्या करा दी और हजारों पर मुकदमे दायर कर दिए। अमित शाह ने बीजेपी सरकार बनने का दावा करते हुए वादा किया कि दार्जिलिंग में चाय बागान के श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाएगा, पीने के पानी की समस्या दूर की जाएगी और शिक्षा पर ध्यान दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने बड़ा दांव चलते हुए ऐलान किया कि गोरखा को एसटी का दर्जा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री लादो 11 गोरखा जातियों को अनुसूचित जनजाति का एसटी का स्टेटस देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करे। बीजेपी की रणनीति उत्तरी बंगाल में ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने की है। उत्तर बंगाल के 8 जिलों में कुल 54 विधानसभा सीटें हैं। साल 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी 26 सीटें ही जीत पाई थी, लेकिन दार्जिलिंग और कलिम्पोंग में टीएमसी का खाता भी नहीं खुला था। इसीलिए बीजेपी की पूरी कोशिश है कि यहां टीएमसी को जीत का मौका न मिले और इसीलिए अमित शाह ने पूरी ताकत लगाई है। तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के 5वें चरण को लेकर चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। तमाम पार्टियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने पर लंबे समय से चली आ रही गोरखा समस्या का राजनीतिक समाधान ढूंढने का मंगलवार को आश्वासन दिया। अमित शाह ने कहा, दीदी ने मुझे भारी कहा, वो पीएम को भारी कहती है। दीदी मैं आपको बताता हूं कि भारी कौन है। वामपंथी विचारधारा जिसे चीन और रूस से लाया गया है। कांग्रेसी नेतृत्व भारी है जो इटली से है। टीएमसी वोट बैंक भारी और घुसपैठिए है। देश का गृहमंत्री हूँ, आपसे बात करने के लिए आया हूँ। दीदी कहती है मैं बाहरी हूँ। मैं बाहरी हूँ भाई? मैं इस देश का वासी हूँ या नहीं हूँ? देश के प्रधानमंत्री को वो बाहरी कहती है? पीएम साहब बाहरी है क्या? अरे दीदी बाहरी कौन है मैं बताता हूँ आपको। आपका ज्ञान बहुत अल्प है। कौन बाहरी है मुझसे सुन लो। ये कम्युनिस्ट जो है ना, उनकी आइडियोलॉजी बाहरी है, चीन से और रशिया से लाए हैं। कांग्रेस की लीडरशिप बाहरी है, इटली से आई है। और तृणमूल कांग्रेस वाले सुन लो, आपकी वोट बैंक बाहरी है, घुसपैठिए है। तो बंगाल में सियासत लगातार जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की। दरअसल तीरथ सिंह रावत ने एक बार फिर से चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कुंभ में मां गंगा की कृपा से कोरोना नहीं फैलेगा और रावत ने कहा कि कुंभ और मरकज की तुलना करना गलत है। मरकज से जो कोरोना फैला वो एक बंद कमरे से फैला, क्योंकि वे सभी लोग एक बंद कमरे में रहे, जबकि हरिद्वार में हो रहा कुंभ का क्षेत्र नीलकंठ और देवप्रयाग तक है। मरकज एक केवल हॉल के अंदर था। वो हॉल कितना बड़ा मैं दिल्ली में मैं जानता हूँ और वो एरिया बिल्कुल फिक्स था। न उधर घूमने की जगह, नहीं इधर पलटने की जगह। वहाँ पूरी तरह सोने के लिए भी एक ही हॉल में सब सोए पड़े हुए थे और एक से एक चिपका हुआ था। रजाई भी न जाने कितनों ने एक रजाई के अंदर घुसे पड़े थे। माँ गंगा का अपल धारा का पूरी तरह बहाव आशीर्वाद ये सब लेके जाएंगे तो उससे तुलना नहीं करनी चाहिए, ये बल्कि होने नहीं चाहिए उससे तुलना कर, तो विषय उठता है ना। चलिए एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले